तो हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, क्या हाल है आपके? आ गए हम फिर से, वेलकम टू गेमिंग विद हरगुन। पिछली वीडियो में जैसे आपने देखा, हमने क्या मस्त दो एरोप्लेन चुराए। लेकिन उससे पहले वाले मिशन में हमने एक थोड़ी सी जुगाड़ करी थी, चाइना से एक बंदे को बुलाया था जो कि करोड़पति है और शायद हमारे बिजनेस पे पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाए। अगर वो हमारे बिजनेस पे पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाए तो मज़ा आ जाए। लेकिन उस समय जब हमने उसको बुलाया था तो काफ़ी उसके सामने लड़ाइयाँ हो गई थी और वो डर के निकल लिया था। उसने कहा था कि हम अगली बार आएंगे, तो फाइनली वो आ चुका है और हम उससे मीटिंग करने जा रहे हैं कि वो काश हमारे बिजनेस पैसा लगाए और हम लोग भी करोड़पति हो जाएं माइकल की तरह। क्योंकि यार माइकल के पास तो बहुत पैसा है। ऐसा होता है कि जब आपके दोस्त के पास बहुत सारा पैसा और आपके पास ना हो तो आपको बुरा तो लगता ही है। इसलिए इसी उम्र में सही, लेकिन ट्रेवर की आंखें खुल गई हैं और वो मेहनत करने के लिए तैयार हो गया। अब वो मेहनत चाहे बंदूक से हो या कैसे भी हो, उसको परवाह नहीं है। वो करेगा मेहनत और करोड़पति बन के दिखाएगा, माइकल से भी ज़्यादा अमीर बन के दिखाएगा। माइकल की माँ की जय। तो फाइनली हम अब आ गए उस जगह पे जिस जगह पे हमने उस चाइनीज बंदे को बुलाया, और सच बता रहा हूँ वो बहुत ही बड़ा नौटंकी बाज है। You sure as shit are one dumb, ignorant, white trash, hillbilly Wallace. ये देखो, ये जो नाच रहा है, ये है करोड़पति और ये है उसका मैनेजर जो कोर्ट में। La 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 la. Quiet in. Gentlemen, I think I have proved that my organization can handle weight, and I think I've proved that my organization is a reliable supplier. In short. It's you and me. Now give me some of that goddamn axe. I'm afraid we want to go down a different path. What? We want to explore other opportunities. 坏家伙，坏死了！要不要我帮你放松一下？ Shut the fuck up! Our boss, Mr. Cheng's father, wants something a little larger. We want to move drugs, perhaps guns. This is my life's work. I mean, since I was a little kid, I dreamt big. You know, I've always wanted to be an international drug dealer and a weapons trader. All right, so I'm begging you. Let's make this happen. I'm very sorry. You're sorry? You're fucking sorry? I just spilled my fucking guts out to you, and you say to me you're sorry. Who are you working with? Hmm? I'm not at liberty to say. Oh, no, no, no. You're at fucking liberty. In fact, I'd say you are obliged. Who? तो ट्रेवर का दिमाग हो गया खराब। अभी मैं बताता हूँ कि क्या हुआ है एक्चुअल में बात। The O'Neill brothers. The O'Neill brothers, huh? Yeah. You shitting me? No. Because those fucking O'Neill brothers, I hear a little birdie telling me that they have a bit of a problem, since one of them's gonna have to be surgically removed from the skull of the other. Fuck you guys and fuck them! तो बात ये हुई कि ट्रेवर को भी करना था बिजनेस, और ये चाइनीज बंदे आए हैं, ये हैं बहुत बड़े ड्रग्स के डीलर और वेपन्स के डीलर। तो ट्रेवर ने सोचा कि चलो मैं भी कर लेता हूँ उनके साथ। लेकिन क्योंकि हम लोग लेट हो गए, तो इन्होंने ट्रेवर की जगह नील ब्रदर्स, एक गैंग है, उनको जो है इसका टेंडर दे दिया। तो अब आपको पता ही है, जो ट्रेवर के रास्ते में आता है, जो ट्रेवर के सपने के रास्ते में आता है, ऐसा बोलना चाहिए मुझे, उसको वो भोंदू बना बना के मारता है और भगा भगा के मारता है। तो अब हम जा रहे हैं उन नील ब्रदर्स की खबर लेने, और उनको जरा, अब हमारे बीच में आए हैं तो उनको बीच से काट देंगे। और ऐसा मतलब दिमाग ख़राब हो गया मेरा, क्योंकि करोड़ों रुपये का जो है बिज़नेस वो इस चाइनीज़ बंदे ने उसको दे दिया। मैंने इसको तो नहीं मारा, थोड़ा सा डरा दिया, क्योंकि देखो मारने से इसको कोई फ़ायदा नहीं है, करोड़ों रुपये हाथ से निकल जाएंगे। तो मेक सेंस यही बनता है इस बात का कि हम नील ब्रदर्स को ही उड़ा दें, क्योंकि जो हमारे रास्ते में आएगा हम उसको उड़ा ही देंगे। मतलब मैं चाहता हूँ कि जो चाइनीज़ लोग हैं इनको बस पता हो जाए। देखो नील ब्रदर्स का फ़ोन भी आ गया, शायद चाइनीज़ लोगों ने उनको बता दिया होगा कि हम जो है उसकी तरफ आ रहे हैं। All of you are going to die. Good Lord above. देख लो ट्रेवर का दिमाग कितना गर्म हो चुका है। ट्रेवर के अंदर ये एक बात बहुत है, गट्स बहुत है। देखो अब जैसे उनके ही एरिया में
उन्हीं की गैंग की मतलब हेड ऑफिस में अकेला ही पहुंच गया। क्या कर रहे हैं, उनको बस उड़ाने और अकेले दम पे, या तो मतलब मरेगा या जीतेगा, उसका बस यही रूल है, या तो मर जाओ या सबको अपने दुश्मनों को उड़ा दो अकेले दम पे। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे खड़े होकर थोड़ी देर स्नाइपिंग करूँ, क्योंकि स्नाइपिंग का मज़ा ही अलग है यार। एज यू सी, हमने इतनी महंगी बंदूक ली है तो उसका कुछ यूज़ भी तो हो यार। तो ये है उनकी जगह नील ब्रदर्स की, देखो कितने अमीर हैं वो लोग भी इतनी बड़ी जगह पे, और ये गोलीबारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये मोटू भी उन्हीं के साथ है। और ये नंगा होके क्यों कर रहा है यार, सारा पैसा बेच के बंदूक गोलियां खरीद ली क्या? और ये है उनका लीडर। Get down to the meth lab to protect it. I hope he don't get through these idiots, but we know they're idiots. Come on, let's go see them Chinese fellas. Oh, how many brothers you got, you inbred freaks? I don't know. पहले संगू पंगू को मारूंगा, साला पीके का लौंडा। ये देखो, इसको पता ही लगी गोलियां चल रही हैं। चबाक, इनकी बंदूकें जरूर याद से उठा लूंगा मैं, यही थोड़ा बहुत जो है फायदा होता है। और ये मोटू का बच्चा सुबह सुबह जो है दारू पी रहा है। और ये नंगू पंगू, ये सब नंगे पंगे क्यों हैं यहाँ पे? उसको पड़ी पीछे वाले को। और ये पता नहीं कौन सी लौंडिया ताड़ है पड़ोस में। भाग, ये कोई लौंडिया ताड़ने का टाइम है? बोंदू बच्चा। अब मेरा दूर दूर से स्नाइपिंग करके यार मन भर गया, अब मैं जाऊँगा पास। मेरे को इतना गुस्सा चढ़ रहा है, मेरा मन कर रहा है इनका पूरा घर उड़ा दूँ। अभी देखना कुछ ना कुछ जुगाड़ करके ना मैं इसका पूरा घर ही उड़ा दूंगा, क्योंकि मेरा हो चुका है दिमाग ख़राब। करोड़ों रुपए बिजनेस में मेरे जो है हाथ से इन्होंने ले लिए हैं, मेरा दिमाग ख़राब किसी का भी हो जाएगा यार, मेरा क्या। इतनी दूर है, सोच रहा हूँ स्नाइपिंग ही करूँ इनके साथ। स्नाइपिंग से फ़ायदा तो होता है, स्कोप है ना इसमें, पास से मार सकते हैं लोगों को। ये हुई बात, चारों को ऐसे ही उड़ा दिया मज़े मज़े में। इसको कमर शॉट दिया मैंने। हाँ, सोच रहा हूँ ये वाली बंदूक से लड़ूँ, इस बंदूक से लड़ने का भी मज़ा ही कुछ और है। हम लोग दोस्त भी हो सकते थे यार, नील ब्रदर्स और हम, लेकिन नहीं, इन्होंने उंगली करी ट्रेवर के बिजनेस में, तो अब हम इनको बताएंगे। तो ड्राइवर ने जैसे बताया कि यू आर ऑल डेड, क्योंकि आ गए हैं आपके डैड, समझ रहे हो? पूरे घर में ना आग लगा दी ना तो बोलियो। तेरा भला हो जाए। ये हुई बात, हेड वो कंगे जो बाहर गया था। तेल तेरी, गर्मी हो रही है क्या इनके घर में? सब नेकर और नंगे घूम रहे हैं, इनको ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है। नील ब्रदर्स को ये नहीं कि कच्चे कपड़े पहन के घूमे, कच्छों में घूम रहे हैं, नंगे घूम रहे हैं। ये ले पिछवाड़े पे ले, तू ये ले खा। गुस्सा आती है ना तो पिछवाड़े पे मारता हूँ मैं। ये देखो नंगा नंगा मोटा, यही सब है इनके पास। ड्राइवर में कितना दम है यार, अकेले दम पे पूरे खानदान को उड़ाने आ गया इनके। ये इतने सारे नील ब्रदर्स हैं यार, इतने सारे भाई, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? या तो इनके बाप में बहुत दम था, या इनके बाप की बीवियाँ बहुत सारी थी, क्योंकि यार एक माँ इतने सारे बच्चे तो नहीं कर सकती। व्हाट यू से, ये देखो ये सही जगह पे मारा ना मैंने दोस्तों से। ये देखो खूना खून कर दिया ना पूरा घर, और अभी सबूत भी मिटाने पड़ेंगे मेरे को, क्योंकि देखो सबूत मिटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ड्राइवर के लिए, उसको एक सिंपल सी लाइफ ही तो जीनी आगे जाके, कब तक ऐसी चोर और गुंडा बना रहेगा? बेचारा वैसे ही बुढ़ा हो गया, और इससे कोई शादी करने को भी तैयार नहीं है। मैंने शादी में मैट्रिमोनियम पे अपना वो बनाया था, ऑनलाइन मैट्रिमोनियम ऐप है ना यहाँ पे, वहाँ पे आईडी बनाई थी, लेकिन कोई वो नहीं आए। मैं सोच रहा हूँ एक ना कैप पहन के इसकी फ़ोटो डालूँ, उसका फ़ायदा ये है कि इसके थोड़े बाल कम है ना, तो शायद इस वजह से नहीं आ रहे। कोई लड़की वड़की पटे तब हम डेट पे जाएं भी यार, एक तो इसको लड़ाइयों से टाइम नहीं मिलता, क्या ही जाएगा।
देखते हैं यहाँ पे और कितने लोग बचे हैं, फिर इस घर को उड़ाना भी है। ओ तेरी बहुत है बुड्ढे, ये तेरी उम्र है लड़ाई करने की? देखो कितना बुड्ढा इंसान है, देखो बंदूक तक नहीं उठाई जा रही उससे, लेकिन लड़ना है उसको। ये नहीं चुपचाप साइड से निकल लूँ जैसे बॉस निकल लिया, मैंने देखा इनका बॉस निकल लिया। और ये देखो लैब ना उठाएं, कह रहे मेरी लैब को मत छुओ, साले तेरी लैब को छुआ छूत बना दूंगा देखियो अभी, साले चमड़ी उधेड़ूंगा अभी तेरी देख। ये ले फिट नंगू पंगू साले, मजा आया मरने के बाद? बता मरने के बाद कैसा फील होता है? उठ ले साले, पिछवाड़े में तेरी गोलियां ही भर दूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है एक ये वाला टैंक, इस टैंक को उठा के हम लोग जो है पूरी इनके घर को आग लगा देंगे, क्योंकि दिमाग गर्म हो चुका है ड्राइवर का बहुत ज़्यादा। वो भी I'm gonna burn it to the ground. तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने टैंक निकाल के पूरे घर को जो है छिड़काव कर दिया है, और हमें बस अब एक ही काम करना है बाहर आके, जो कि हमारा काम सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। एक बंदूक निकालो और सीधा गोली चला दो और उसमें आग लग जाएगी, जैसे कि आपको पेट्रोल की हरकतें पता ही हैं। ये गया वो भाई, देख रहे हो पूरा घर खत्म कर दिया। व्हाट अ स्टाइल, ओ भाई स्टाइल देख रहे हो भाई का। और आओ सालो हमारे बिजनेस के बीच, हमारे बिजनेस के बीच आ रहे हैं, देख रहे हो। अब मैं चाहता हूँ कि वो चाइनीज लोग समझे हमारी ताकत को और हमें ही बिजनेस है करोड़ों रुपए का, क्योंकि करोड़ों रुपए का बिजनेस हमारा ही होना चाहिए यार, किसी भी कीमत पे। नील ब्रदर्स हो या माफिया गैंग हो या चाहे कोई भी गैंग हो, हमें ही मिलना चाहिए करोड़ों रुपए का बिजनेस, क्योंकि हम ही इसके लायक हैं। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, देखते हैं कि चाइनीज लोग हमको बिजनेस देते हैं या किसी और के साथ फिर उंगली करते हैं। देखो अगर इन्होंने फिर उंगली करी तो मेरे हिसाब से अब चाइनीज लोगों को ही उड़ा देना चाहिए। चलो देखते हैं क्या होता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।